हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ पे 10:30 के आसपास का टाइम हो रहा है। मैं कर रही हूँ अभी बेड को ठीक, क्योंकि ब्लैंकेट्स वगैरह सब कुछ फोल्ड करने थे और यहाँ फर्स्ट फिराक में लगा हुआ है कि मैं ये वाला ब्लैंकेट उठा के ले जाऊँ और ग्रीन वाला ला के रख दूँ यहाँ पे। तो मैंने ग्रीन वाला जो ब्लैंकेट है उसको दूसरे रूम में रखा हुआ है, जहाँ मैंने फोल्डिंग लगा के रखा है, तो बस उसको वहीं लेके जाना है। और बस मैं इसको फोल्ड कर ले रही हूँ और झाड़ू पोछा और जितना भी काम था ना वो सब हो चुका है हमारे घर का। बस मेरे को नहाना था और बैठी करना था, तो मैं वहीं कर रही हूँ। और स्पर्स भी उठ चुका था, तो आज उसका ऑफ था स्कूल का, तो वो आज नहीं गया, कल हो गया था। एंड बेड पे मैं अभी भी वुलन बेडशीट ही डाली हूँ, गरम वाला ही बेडशीट। बट पिलो मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि पिलो पता है गरम वाला पिलो लगाओ ना तो एकदम सोने में ना बहुत ही गर्मी सी हो जाती है सर में। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कॉटन वाला ही लगाऊँ। एक बेडशीट का मेरे पास वुलन पिलो कवर है तो वो मैं नहीं लगाती हूँ। पता नहीं क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं पिलो गरम वाला लगा लूँ ना तो, या फिर पिलो के ऊपर भी मैं अगर मैं ब्लैंकेट्स वगैरह रख के सोती हूँ तो मुझे अजीब सी इचिंग होने लगती है मुझे सर में। तो इसी वजह से पिलो कॉटन वाला ही सही रहता है। इसके टॉयज़ वगैरह हैं तो इस पे यहीं बैठ के खेल रहा था, तो वो मैं हटा रही हूँ और उसके बाद बस मैं बैठ ठीक कर लूँगी। तो थोड़े बहुत सामान जो होते हैं इधर उधर करने लगते हैं। और यहाँ पे देखिए बीच में ना एक लाइट सी आ रही है, पता नहीं क्या हुआ है। मतलब इस साइड से जब मैं कैमरा लगाती हूँ तो एक लाइट सी आती है यहाँ पे। ये वाला बेडशीट मैं बिछा दे रही हूँ और इसका पिलो कवर भी है मेरे पास, ये भी गर्म बेडशीट ही है। तो ये मेरे को लिए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, मतलब 2 साल, हाँ 2 साल तो हो गए होंगे ये मुझे लिए हुए। लेकिन यूज़ नहीं होता ना तो फिर ख़राब भी नहीं होता सब। तो ऐसे थोड़ी सी, अब जैसे फरवरी मार्च से इसको तो बंद करके रख देना होता है, तो इसी वजह से ज़्यादा यूज़ ये सब होता नहीं है। बस 2-2.5 महीने ही जो यूज़ करना होता है वो यूज़ होता है। और मुझे आप लोगों से एक बात करनी थी। मैंने जो लास्ट गिव अवे का विनर के अनाउंसमेंट किया है उसमें 5 लोगों के नाम हैं, तो वो 5 लोग अपना फ़ोन नंबर प्लस अपना एड्रेस प्लस उस एरिया का जो पिन है वो आप लोग भेज दीजिएगा। 2-3 लोगों ने भेज दिया है बट उसमें ना फ़ोन नंबर नहीं है, तो आप लोग मुझे मेल कर दीजिएगा। यहाँ पर मैंने कॉमेंट्स बॉक्स में नहीं बोली क्योंकि कॉमेंट्स बॉक्स सेफ नहीं होता है, इसी वजह से मैंने आप लोगों को बोला है कि आप लोग मेल कर दीजिएगा। और फ़ोन नंबर नहीं है क्योंकि मैं जिस कंपनी की तरफ से मैं वो वीडियो बनाई थी वो कंपनी ही आपको भेजेगी। तो क्या होता है ना कि जब भी कोई कुरियर जब घर पहुंचाना होता है तो डिलीवरी बॉय फ़ोन तो करते हैं, जैसे मेरे पास भी आता है अगर मेरा कोई सामान मैं ऑर्डर करती हूँ तो फ़ोन वो लोग करते हैं, एड्रेस पूछते हैं मुझसे कहाँ घर है प्रॉपर, तब वो लोग आके मुझे सामान देते हैं। तो उसी तरीके से फ़ोन नंबर भी ज़रूरी है, तो आप लोग भेज दीजिएगा अगर आपको ठीक लगे तो, क्योंकि बिना फ़ोन नंबर के ना फिर वो नहीं जा पाएगा सामान। यहाँ पे मेरा बेड ठीक हो चुका है और देखिए यहाँ पे इस तरीके से इसका लुक आ रहा है। और जो एक कैप था वो इस साइड में मैं बॉक्स में डालती हूँ और उस साइड में ज़्यादातर मैं कैप और हैंकी रखती हूँ। देन मैं आ गई थी यहाँ पे, यहाँ हॉल में आ गई थी और मुझे यहाँ पहनना था सॉक्स। और सॉक्स में क्या है ना, थोड़ी सी मतलब नहाने के बाद तुरंत मैं बेड ठीक करने लगी तो मुझे ठंडी ठंडी सी लग रही थी। अब मैं थोड़ा सा पैर को सुखा के और मैं सॉक्स पहनूँ, क्योंकि पैर को सुखा के और फिर सॉक्स पहनूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे स्पॉश बैठा हुआ था, उससे मैं थोड़ी थोड़ी बातें कर रही थी और मैं बोली ये पहनना है तो बोलता है नहीं, क्योंकि वो मेरा सॉक्स था ना इसी वजह से। और यहाँ पे मैं बीच बीच में आप लोग के नाम भी ले लेती हूँ और मैं फटाफट नाम लेती हूँ ना रीड करके, इसलिए मैं प्रॉपर अच्छे से नाम नहीं ले पाती हूँ। तो सबसे फर्स्ट में मैं नाम ले रही हूँ पूजा शर्मा, एंड उसके बाद है मोना बस्सी, माया जाधव, रिया पांडे, एंड स्नेहा बर्नवाल, मीना दोदिया, अंशु, रोली यादव, शिल्पी प्रकाश, एंड अभय सिंह, इनका पता नहीं नाम ना मैं भूल गई हूँ, एंड नीलम चंद्रा, प्रवीण देसाई, रुचि तिवारी, पुष्पा वर्मा, सुमन शर्मा, देन भारती यादव। यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ मैगी और मैगी मैं बहुत ही सिंपल से बनाने लगी हूँ आज ब्रेकफास्ट में, आज मैं मैगी ही बनाने वाली हूँ। तो उसके बाद है प्रीति कुमारी, संजना मिश्रा, इन्होंने बहुत बार मेरे को बोला था नाम लेने के लिए। तो यहाँ पे ना इस कढ़ाई में मैंने कुछ बनाया था तो उसी में बस मैं मैगी मसाला डाल दी हूँ, हल्दी, नमक, और उसके बाद मैं डाल दूंगी पानी, नमक मैं लास्ट में डालूंगी। तो इसी तरीके से मुझे मैगी खाना ना बहुत ही अच्छा लग गया। उसके बाद है रेनू सिंह जो कि झारखंड से हैं, और उसके बाद है सुमित्रा पांडे, प्रियंका, एंड उसके बाद है गुरिया कुमारी, एंड शगुफ्ता खान, सिमरन सिंधा, प्रियंका, एंड उपेंद्र मिश्रा,
यहाँ मेरी मैगी बनके रेडी भी हो गई, मैं आप लोग के नाम लेती रह गई। एंड अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, आप लोग भी खा लीजिएगा। एंड उसके बाद है राजेश यादव, और ये आजमगढ़ से हैं, और इनका नाम, ये बोले थे कि मैं आपके ब्लॉग्स डेली देखती हूँ, पता नहीं इनका नाम क्या है, मुझे नहीं पता। एंड खुशबू गुप्ता, खुशबू निवा कुमारी, रिंकी प्रसाद, एंड उसके बाद है एक प्रदीप कुमार, एंड प्रियंका गैंगवर, विनीता यादव, निशा कनन, एंड मिश मिश्रा, जय भारत। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के नाम छूट रहे हैं, तो मैं भी फटाफट आगे भी नाम लूँगी। यहाँ पे मैं आ गई हूँ, ड्रेसिंग में सामान सेट करना है, तो वहाँ से जो भी मेरे कॉस्मेटिक सामान थे ना, इस टाइप से मेरे पास जो एक्स्ट्रा होते हैं, मैं डब्बे में भर देती हूँ, तो यहाँ से मुझे निकाल के और ड्रेसिंग में सेट करना था मुझे, तो बस इसको मैं निकाल ले रही हूँ। और ये मेरे सारे कॉस्मेटिक सामान है, मेरे पास ऐसे 2-3 डब्बे हैं जिसमें भरे रहते हैं। तो मैं सोच रही थी ना, जो मेरे स्क्रबर हैं या फिर डेली क्रीम है, प्राइमर है या फिर चारकोल मास्क वगैरह है, तो स्क्रबर मेरे पास बहुत ज़्यादा हो गया है, तो मैं उसको मैं सोच रही हूँ कि मैं रख दूँ। ये आई शैडो पैलेट छोटा सा है मेरे पास, बहुत ही छोटा सा है वो। और ये जो मैं देख रही हूँ ना, यहाँ पे मुझे एक्सपायरी भी देखनी है, तो मैं अलग अलग कर रही हूँ। और यहाँ पे स्किन टोनर है, और उसके बाद चलिए नाम ले लेती हूँ, तन्मय राज और अरुण कुमार, ममता यादव, श्रेया पांडे, एंड देन है शालिनी कुमारी और मीनाक्षी प्रिया, इन्होंने बोला था मेरा नाम लेना, रमन गौर, एंड उसके बाद है नैन्सी पांडे, अमित मिश्रा, अमृता गुप्ता, वंदना पाठक, लीजा गुप्ता, आकाश मिश्रा, और इनका नाम है अंशु मिश्रा। एंड उसके बाद है सीमा गुप्ता, अलका कुमारी, संजन कुमार, वीरू तिवारी, पुष्पा मनोज, एंड उसके बाद है चित्रा मिश्रा, एंड अरुण कुमार, बेबी यादव। तो कुछ लोग के नाम थे तो मैं ले ली, अगर जिनके नाम छूट गए होंगे ना, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख देना, और फिर मैं ले लूँगी आगे मेरे को अगर मिलता है किसी और के, क्योंकि हमेशा मुझे ये कंप्लेन रहती है कि दी आप मेरा नाम नहीं लेते हो, कब भूल जाते हो। तो बस यहाँ पे जो मेरे पास एक्स्ट्रा सामान थे वो डब्बे में मैं डालते जा रही हूँ, और ये डब्बे में क्या है ना, सेफ रहेगा। और ये जो स्क्रबर है, ये मैंने लास्ट ईयर मैंने मंगाया था, इवर यूथ का है, तो मैं इसको निकाल दे रही हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से ना कुछ भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, बहुत ही कम, बस फेस वॉश यूज़ कर लेती हूँ, या फिर मैं बेसन का जो भी ना स्क्रबर यूज़ करती हूँ वही यूज़ कर रही थी, तो मुझे इसको ख़त्म करना है, नहीं तो फिर ये ख़राब हो जाएगा और फेंकना पड़ेगा मुझे। और साथ साथ स्पर्श बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है जब मैं कॉस्मेटिक अपने सामान निकालती हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बस उसको रहता है ना जल्दी से एक मिल जाए और उसको हाथों से जल्दी जल्दी मैं मिला दूँ। तो बस यहाँ पे जो मेरे को लग रहा है निकाल के रख लेना है, तो उसको मैं ड्रेसिंग में ही रखूँगी, और बाकी जो एक्स्ट्रा है मैं डब्बे में डाल के रख दूँगी। बाकी जो मेरा मेकअप बॉक्स है, तो ये देखिए मैंने ये दोनों मंगाया था, और ये दोनों इवर यूथ का है, दोनों साथ में ही मैंने मंगाया था, और इसका मैं रिव्यू भी दे चुकी हूँ अपने चैनल पर, पता नहीं मैंने दिया है नहीं दिया, मुझे ना याद नहीं है। देन मैं ड्रेसिंग टेबल सेट करने लगी हूँ, और यहाँ पर मेरे को भी कॉमेंट्स आया हुआ था कि दी अपना ड्रेसिंग ऑर्गेनाइजेशन शेयर करना, तो मैं आगे शेयर कर दूँगी, इसी वजह से यहाँ क्लिप मैंने ज़्यादा नहीं बनाया है। यहाँ पर मैंने कुछ DIY करके ऐसे रख रही हूँ, एक्चुअली मैं बास्केट ली थी, बट बास्केट ना थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, तो इसी वजह से मैं ऐसे ही डब्बे डब्बे डाल के और मैं इसमें रखी हूँ, और ऊपर वाले एरिया में मैंने कुछ सामान रखा है, नीचे वाले में मैंने कुछ रखा है, तो बस मैं आगे आप लोग के साथ मैं ड्रेसिंग का ऑर्गेनाइजेशन शेयर कर दूँगी। ये बॉक्स है जहाँ मैं कभी भी घर जाती हूँ, ससुराल जाती हूँ, तो लेके जाती हूँ, तो ये वहीं वाला बैग है, तो इसमें मैं कुछ सामान रख लूँगी। यहाँ पे सारे जो बेड थे ना, स्पर्श बहुत ही बुरी तरीके से ख़राब कर दिया है, और ये जो रेड वाला बास्केट देख रहे हैं, इसी तरीके से मैंने 3-4 खरीदा था, लेकिन कुछ भी ड्रेसिंग में आया ही नहीं है मतलब। और ये एक मेहंदी है, और एक मेहंदी था तो वो साधना ने लगाया था, और ये एक्स्ट्रा है, तो मैं इसमें रख दे रही हूँ, अगर मेरे को ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको लगा लूँगी। ये है मेरा छोटा सा सिंदूर, एंड यहाँ पे ये मेरी सिस्टर ने दिया था मुझे, और ये है बहुत ही अच्छा है ये चीज़, और ये स्प्रे था, एंड यहाँ पे मैं लगा रही हूँ ये, सॉरी ये सिंदूर है, तो सिंदूर मेरे पास 2 है, बाकी मैंने 2 को वहाँ पे सेट कर दिया है ड्रेसिंग में, और 2 मतलब 4 है टोटल। यहाँ पे मैं ये जो सब है ना, ये सब मैं रखते जा रही हूँ धीरे धीरे, और जो लोगों के नाम लेने हैं उनको भी, उनके भी नाम मैं ले रही हूँ। यहाँ पे जो नाम है मनीष कुमार सिंह, राजेश यादव, रीता, एंड वहीं लोगों के नाम थे सपना यादव, रुचि तिवारी, एंड ये मैं नेक्स्ट ब्लॉग का कल वाले ब्लॉग्स के कमेंट्स रीड कर रही हूँ, पंकजा शेखिया, सिमरन सिद्धा, एंड बस वहीं लोगों के नाम है रूबी खान, और
उसके बाद मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी, अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप लोग शेयर भी कीजिए। ईयरफोन्स वगैरह मैं इसी बैग्स में रखती हूँ, तो इसका क्या होता है ना, ये वाला बैग मैं हमेशा आती जाती हूँ तो लेके जाती हूँ, और फिर मेरा जो ट्रांसपेरेंट वाला बैग दिख रहा है रेड वाला, ये वाला, ये तो मेरा बैग साथ में रहता है, इसमें मेरे मेकअप के ही सामान रहते हैं, और ये मैं बैंगल्स रेड कलर की, मुझे प्लेन बैंगल्स बहुत ज़्यादा पसंद है। देन मैं शाम को गई थी बाहर, थोड़ा सा सामान लेना था तो वो मैं लेके गई थी, और फिर यहाँ मैं लेके आई हूँ। तो ये मैं लेके आई हूँ केक, क्योंकि स्पर्श को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। मैं लंच बॉक्स में, आजकल सर्दी है ना तो फ्रूट्स नहीं दे रही हूँ, तो मैं ये केक रखती हूँ, और ये वाला नमकीन लेके आई हूँ। तो बहुत सारे लोगों ने मेरे से बोला था ना कि दी मेरा बेटा भी ना ये केक खाता है, और उसके बाद मैं लेके आई हूँ ये पतंजलि का हनी ख़त्म हो गया था, तो ये जम भी जाता है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है हनी का जमना शुद्धता का, ऐसा कुछ लिख करके लिखा हुआ है। तो बस ये हनी लेके आई मैं, और छोटू वाला हनी लेके आई हूँ, बड़ा वाला नहीं लेके आई हूँ। फिर इस लास्ट में ना, मतलब जो भी है, दो तीन दिन में हम जो शॉपिंग करेंगे उसमें हम फिर से ग्रॉसरी शॉपिंग करेंगे ना, उसमें ले लेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है दही, और दही लेना सर्दियों में, पता है मैं ले नहीं पाती हूँ, खाने का मन होता है यार, कभी मन होता है ना रायता खा लो, तो इसी वजह से मैं रखती नहीं हूँ, लेकिन मैं लेके आई हूँ क्योंकि स्पर्श को ना मॉर्निंग में अप्पे बना के देने होते हैं कभी कभी लंच में, फ्रूट्स वाले लंच में, तो मैं ना बस इसको इसी वजह से मैं दही भी लेके आ गई कि चलो मैं दही भी ले लेती हूँ एक। और उसके बाद ये मॉर्निंग का क्लिप है, और यहाँ पे काम वाली आ गई थी और वो लगा रही थी पोछा, तो बस रूम से लेके आ रही थी वो, और जो मेरा स्पिन वाला मोप वाला बास्केट है ना, स्पिन मोप बास्केट, उसी में मैं अलग से बकेट नहीं खरीदी हूँ, उसी में बोलती हूँ कि आप उसी में लगा दो, तो बस उसी में वो लगा देती हैं, उसी बकेट से मैं अलग से लेके नहीं आई हूँ। यहाँ पे ये सेट करने लग गए हैं, ये जो सूज स्टैंड है ये सेट करने लग गए हैं, क्योंकि पता है शिफ्टिंग में ना थोड़ा सा इधर उधर हो चुका था, मतलब इसका शेप भी घट गया था और लग रहा था आड़ा तिरछा ऐसा कुछ दिख रहा था, तो बस ये बोले कि आज मैं कर देता हूँ, तो वहीं ये कर रहे थे, और साथ में स्पर्श इनकी हेल्प कर रहा है, हेल्प करने के बावजूद वो लगता है कि बस थोड़ा बिगाड़ ही देगा, तो बस वो इनके साथ ही लगा रहता है। तो ये और पता है मैं जब ये लिए थे ना लास्ट टाइम, जब मैं ली थी तब मैं आपको दिखाई थी, जब ली थी ना तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि इतना बड़ा इन्होंने क्यों मंगा दिया है, तो लेकिन अब मुझे ठीक लगता है ना कि सारे शूज़ वगैरह है ना इसमें आ जाते हैं, एक में तीन तीन करके, दो मतलब कुछ ही शूज़ हैं जो मेरे को अलग डब्बे में रखना पड़ता है, बाकी सारे शूज़ हमारे घर में के इसमें आ जाते हैं, तो अब मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इतना बड़ा सा रैक। उस टाइम पर मुझे बड़ा ही कन्फ्यूज़न था कि मैं मतलब इतना बड़ा रखूँगी कहाँ, और बस ये सेट करने लगे और हो चुका है, उसके ऊपर से एक आध जगह ना थोड़ा सा आड़ा तिरछा है, नीचे वाला देखिए निकला हुआ है, तो बस यहाँ पे मतलब होता है ना कि यहाँ पे घर पे ही जाते हैं तो वहाँ पे कुछ भी करते हैं तो बहुत खुशी खुशी करते हैं, आप लोग कैमरे में देखते होंगे, और यहाँ बस बहुत दिनों बाद एक चीज़ करेंगे, फिर उसके बाद एक ऐसे एक काम करेंगे, तो वहाँ मैंने आपको ब्लॉग्स में भी दिखाती हूँ, एकदम खुशी खुशी किचन में आना जाना ऐसा नहीं है यहाँ पे, तो बस यहाँ देखिए, क्योंकि घर की बात ही अलग होती है, ये तो होता है ना कि घर पे जाते कोई इंसान खुश रहता है, यहाँ पे ये वाला ख़राब है तो बस इसको ठीक करना है, और ऊपर वाला और नीचे वाला जो रैक है ये सबसे मतलब बड़ा बड़ा सा थोड़ा सा दिया हुआ है। और मेरे पास ये भी कमेंट्स आया हुआ था कि दी आपने जो लिया है आप इसका लिंक दे देना, तो मैंने अमेजोन से लिया है, मैंने लिंक कभी नहीं दे सकती, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं वहाँ से कॉपी करके आप लोग को लिंक दे दूँगी, उस टाइम पे मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि प्लीज़ का लिंक करना देना, तो ये ना बहुत ज़्यादा मतलब आप बोलोगे ना बहुत अच्छे से मतलब बहुत टाइम तक चलेगा, ऐसा ये वाला ना कुछ नहीं है, इसीलिए वजह से मैं आप लोग को बता दे रही हूँ, क्योंकि मुझे जो भी बताना है रियलिटी बताना है, मतलब ठीक ठाक है आप शूज़ रख सकते हो, अगर आप चाहो कि इसमें कपड़े रखो या फिर कोई और भी सामान रखूँ, किचन के सामान रखूँ, थोड़ी भारी भारी चीज़ें रखूँ, तो ये चीज़ बुक्स वगैरह रखूँ तो इसमें ये नहीं होगा, क्योंकि ये जो सीट दिया हुआ है ना वो सीट पतला पतला होता है इसमें, तो आप लोग अगर सोचते हो ना कि मैं मतलब कपड़े रखने के लिए ले लूँ या फिर किचन के सामान रखने के लिए या फिर बुक्स वगैरह रखने के लिए, तो आप लोग मत लेना, अगर आप लोग को शूज़ रखना है तो आप लोग ले सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, बहुत टाइम तक मतलब ऐसे सेफली हम ये तीनों अलग कर लिए, क्योंकि यहाँ से ना ये ख़राब हो रहा था, थोड़ा सा तिरछा हो रहा था, तो इसी वजह से इन्होंने अलग किया है, तो बस खुशी खुशी कर लें ये काम। और मैं किचन में थी, खाना बना रही थी, मैं थोड़ा सा क्लिप यहाँ का बनाई, और देखिए इतना बड़ा ठीक था, इससे बड़ा ना इतना बड़ा भी मिलता है, चार स्लेब वाला, पांच वाला, फिर हमारा है आठ या नौ वाला शायद है हमारा। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, ब्लॉग अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना, एंड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।